हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, केम शो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिलियन माइस व्लॉग। तो गाइस आज है फ्राइडे और बज चुके हैं शाम के 7 और मैं आ चुका हूँ अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो आपको मैं आज लेके आ चुका हूँ, अभी मैं खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पीछे IIM 4 रास्ता है और इसके ठीक सामने है AMA अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन पर मैं खड़ा हुआ हूँ। तो आज आपको मैं लेके चलूँगा जैन गार्डन, जो कि जापानी ट्रेडिशन की हिसाब से बना हुआ है। एक्चुअली 3 दिन ओपन रहता ही है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे ये क्लोज रहेगा और फ्राइडे, सैटरडे, संडे चालू रहता है। और इसका टाइमिंग है 5:45 से लेकर 7:45 तक चालू रहता है। तो चलिए आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ अंदर, गार्डन कैसा है वो आपको बताऊँगा। और अभी ट्रैफिक भी यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, शाम का वक्त है इसलिए। तो चलिए भाई लोगों, मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर। तो ये गाइस अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन और अभी हम अंदर चलेंगे गार्डन के अंदर। तो चलिए अंदर चलते हैं भाई लोग। ये है गार्डन गाइस। अभी यहाँ पे एक्चुअली 50 रुपीज़ टिकट है, तो पर पर्सन 50 रुपीज़ टिकट रहेगा। तो अभी टिकट हम जाके लेंगे। मैडम टिकट मिलेगा? ओके डन। थैंक यू गाइस, टिकट अभी हमने ले लिया और अभी चलेंगे और देखेंगे गार्डन, जैन गार्डन। आप लोगों को भी दिखाता हूँ। रिया गाइस टिकट, और अभी हम चलेंगे और आप लोगों को भी मैं दिखाता हूँ जैन गार्डन। लीजिए अंकल, ले लिया टिकट। नाम लिख दो। नाम लिखना? ओके, रसीद नंबर लिख दो। ओके ओके, समय 7:00 7:00 This is a booklet about the garden and different elements. Okay. And when you go inside, just take care about the design part. Okay. In this corner and that corner, you can take photographs from the park. So I will shoot again. Just take care in this corner. Yeah, definitely. We'll take care. तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं और हमने ले लिया है और ये हमें मिला है जैन केजन। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अंदर और हमें मिली है जैन केजन की बुकलेट मिली है और ये हमारे पास टिकट है। तो चलिए आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा ये गार्डन है। चलिए भाई, बुद्धा हियर, एक बहुत ही बड़ा बुद्धा है और ये पूरा जापानी स्टाइल में बना हुआ है। वैसे गार्डन बहुत ही अच्छा है और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ से स्मोक आ रहा होगा। और 50 रुपीज़ इसका टिकट है, 3 दिन ही चालू रहता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और इसका टाइमिंग है 5:45 से रात को 7:45 तक ही चालू रहता है। आप देख सकते हैं गाइस बहुत ही बढ़िया है, चारों तरफ आप लोगों को स्मोक दिख रहा होगा। चुके हैं अंदर, बहुत ही बढ़िया म्यूज़िक बज रहा है, जापानी का, जापानी स्टाइल का ट्रेडिशन म्यूज़िक जो ओरिजिनल म्यूज़िक हो रहा है वो एक्चुअली बज रहा है यहाँ पे। और ये है छोटा सा हट जैसा बना हुआ है। Thank you.
गाइस अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे ब्रिज है, जापानी स्टाइल में एक ब्रिज बनाया हुआ है, पूरा लकड़े का है। और जैसे कि हमने मूवीज़ में देखा, हॉलीवुड की मूवीज़ में जापानी ट्रेडिशन जो है मोस्ट ऑफ वर्क करती है वुडन्स के ऊपर, और वो कागज़ की जो चीज़ें बनाते हैं उसमें भी वो जापान के लोग बहुत ही बेस्ट हैं। ये आप सामने भी देख सकते हैं, पूरा लकड़े का बना हुआ ये हट। ये बना हुआ है IM4 रास्ता है, उसके ठीक पास में है AMA अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो ये एक्चुअली कॉलेज भी है। ये बनी हुई है डिजाइन्स, आप मेरे पीछे देख सकते हैं जेन कजेन गार्डन है, और जो कि पूरा जापानी स्टाइल में बनाया हुआ है, जापानी ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और बहुत ही अच्छी फीलिंग है। पीछे में देख सकते हैं छोटा सा झरना भी है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है और स्मोक भी चल रहा है, तो बहुत ही ठंडा लग रहा है यहाँ पर आके, और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। तो 50 रुपीज़ वर्थ है, मुझे लगा शायद एंट्री जो होगी फ्री होगी, पर यहाँ पर 50 रुपीज़ है, पर बहुत वर्थ है गाइस। तो आप लोगों को भी विज़िट करना चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है, और मैं भी एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो बहुत ही फीलिंग बहुत ही बढ़िया है भाई लोग। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना भाई लोग, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। और ये आप देख सकते हैं ये जो है डिज़ाइनिंग है, ये पूरी जो है ये पत्थर से, छोटे छोटे पत्थर से डिज़ाइन बनाई गई है, ये बहुत ही अच्छी लग रही है। और ये जो लाइट से घास के अंदर से आ रही है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। सो ओवरऑल दिस गार्डन इज़ वेल मेंटेन एंड वेरी क्लीन, एंड इट विल गिव यू द लाइक फ्रेश ऑक्सीजन ओवर हियर, आप पता चलता है आपको फ्रेश जो है ऑक्सीजन मिल रही है, और बहुत ही बढ़िया है गाइस। अभी ये तो हो गया बाहर के लिए, अभी मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, तो चलिए गाइस। चलिए अंदर भी जो डिज़ाइनिंग वगैरह है क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ। वाह क्या बात है, यहाँ पे तो एसी लगा हुआ है, बहुत ही ठंडा है। यहाँ पे बहुत ही चिल्ड एसी लगा हुआ है गाइस, और ये इसका शायद रिमोट है, और पूरा यहाँ पे चिल्ड है गाइस, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे फुल सेंट्रल एसी लगे हुए हैं। सो
this garden will give you completely Japanese vibes. और म्यूजिक भी यहाँ पे वो जापानी टाइप के बज रहे हैं, जापानी इसके यहाँ पे डिशेस वगैरह जो स्टोर होते हैं वो चल रहे हैं यहाँ पे. एकेडमी इज आल्सो देयर. तो गाइस यहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं. चलो ये तो है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है. जो जापानीज ट्रेडिशन की जो स्टाइल है यहाँ पे गार्डन में क्या क्या है वो भी सब रखा हुआ है. अभी आपको मैं डिजाइनिंग वगैरह दिखा रहा हूँ, लेके चलता हूँ. तो चलिए भाई, दरवाजा भी शायद उसका इसी तरह है. ओ ये डोर भी पूरे उसकी सही में लगे हुए, एक ओपन करेंगे दूसरा भी ओपन हो जाएगा. उसकी बैक साइड है. तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ये पता नहीं क्या बना हुआ पर बहुत ही बढ़िया है. तो यहाँ की वाइब्स पूरी जापानी है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. तो अगर आप अहमदाबाद से हो तो आप ज़रूर विज़िट करिए, 50 रुपीज़ टिकट है, आपको बहुत मज़ा आएगा और जापानी कल्चर के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में आपको कुछ जानने मिलेगा. चुका है जेन गार्डन फिनिश कंप्लीट, उसका टूर हो चुका है. अभी हम चलते हैं अंदर, एक और जगह है फोटोग्राफी की, तो आपको लेके चलता हूं मैं. तो अंदर आप लोगों को लेके चलता हूं, देयर इज अनदर फोटोग्राफी का कुछ है. ग्रीटिंग्स टू फ्रेम. तो अभी हम चलते हैं फोटोग्राफी का कुछ, जापानीज फोटोग्राफी का कुछ कल्चर है, पता नहीं क्या है, आप लोगों को लेके चलता हूं मैं. एक्चुअली मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूं यहां पे, भाई लोग आप लोगों को लेके चलते हैं अंदर में. ये है टॉयलेट्स बने हुए. सो एज यू कैन सी गाइस, प्यास लगी पानी की, थोड़ा पानी पिया जाए. सो गाइस लेट मी टेक यू टू द जापानीज फोटोग्राफी. तो ये है जापान की फ़ोटोग्राफी, जापान की कुछ फेमस जगह है उनकी फ़ोटोग्राफी की गई है. तो जहाँ तक कि मुझे समझ आया तो जो जो जापान की फेमस चीज़ें हैं जो गार्डन में बनी हुई वही फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे रखे हुए हैं. जैसे कि ये झरना है और ये बुद्धा भी वहाँ पे था और ये जो ब्रिज है. तो ये सारी है जापान की फेमस जगहें और उनके जो भी फेमस फेस्टिवल्स रहते हैं और उनकी जो भी रहती है एकदम फेमस,
ट्रेडिशन रहते हैं और इनके जो वहाँ के जो मौसम रहते हैं, फेवरेट ऑटम है, विंटर है, तो ये है सारे जापानी डेलीगेट्स जो यहाँ पे एएम के अंदर विजिट करके गए हैं। मुझे पता नहीं जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको बता रहा हूँ। ये एक्चुअली पूरा खाली पड़ा हुआ है, बस ये सारी तस्वीरें हैं यहाँ पे, फ़ोटोग्राफ्स, जापान की जो है फेमस फ़ोटोग्राफी उनके फेमस, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि ये जापान के कुछ फेमस फेस्टिवल्स हैं, वो जो भी पॉपुलर प्लेसेस हैं उनकी ये फ़ोटोग्राफी है, फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे रखे हुए हैं। बाकी आप पीछे दे सकते हैं पूरा खाली है हॉल। यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन भी होते होंगे, फ़ोटोग्राफी है, इवेंट्स वगैरह, जैसे कि वीडियो में चल रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल चेयर वगैरह रखी होगी, तो हो सकता है काफ़ी सारे फंक्शन हो गए यहाँ पे। तो गाइस अभी हम जाएंगे ऊपर की ओर आपको एक शॉट दिखाने के लिए। वैसे ऊपर अलाउड नहीं, पर उन्होंने परमिशन दिया कि आप जाके वीडियो ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ऊपर या फिर ये जो कॉलेज के प्रीमाइसिस है, इंस्टीट्यूट प्रीमाइसिस में अलाउड नहीं है, वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स और इनका स्टाफ ही अलाउड करते हैं। पर हम जा रहे हैं भाई लोग, ओनली फॉर यू गाइस। तो चलिए ऊपर चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ भाई लोग। 50 रुपीज़ खर्चा किया है तो आपको दिखाना तो बनता है। तो यहाँ से आपको दिखेगा जैन गार्डन, और ये है इसका ऑडिटोरियम, और कॉरिडोर भी यहाँ पे है। सी गाइस, अंकल को बोल देते हैं थैंक्स। तो अंकल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मिलते हैं, चलो ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं बाहर और अभी चलेंगे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, जैन गार्डन का टूर। अगर आप अहमदाबाद से हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा जो मिशन है 1K सब्सक्राइब आप लोगों को कंप्लीट करने हैं भाई लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, खुदा भी है, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग गाइज। आज है फ्राइडे और